नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन फॉग और रेमेटॉइड अर्थराइटिस के लिंक के बारे में। कई बार कई पेशेंट का एक सवाल आ जाता है हमें कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, हम कुछ भी काम करते हैं हमें समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा भूलने लग गया हूँ या भूलने लग गई हूँ, और किसी भी डिसीज़न पर वो सही से डिसीज़न नहीं ले पाते। ये प्रॉब्लम होती है ब्रेन फॉग, यानी जब आपकी सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। अब कई पेशेंट जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो उनके मन में सवाल आता है, क्या रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से ब्रेन फॉग हो सकता है? तो जी हाँ, कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके जॉइंट्स को डैमेज पहुंचाने लगता है, उनकी साइनोवल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आती है, अकड़न आ जाती है, और ये अकड़न आपकी जॉइंट की मूवमेंट को, मूवेबिलिटी को स्टिफनेस में बदल देती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। और रेमेटॉइड अर्थराइटिस में जब भी इन्फ्लेमेशन आती है तो इसकी वजह से ब्रेन फॉग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपका ब्रेन भी कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है और कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति पर भी इफेक्ट पड़ता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इसके कॉज का पता लगाना होगा। तो सबसे बड़ा इसका कॉज होता है लैक ऑफ स्लीपिंग, यानी अगर आप सही से अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से भी आपको सोचने समझने में दिक्कत आ सकती है। तो आप कोशिश करें, आप दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप पूरी करें। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सोते हैं तो सोकर उठने के बाद आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। जी हाँ, यानी आपको जो सेकेंड टिप फॉलो करनी है ब्रेन फॉग से बचने के लिए, वो है एक्सरसाइज। आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी है ताकि आपके जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो और आपके जॉइंट्स में मूवेबिलिटी आए, क्योंकि अगर आप काफ़ी लंबे समय तक कुछ भी काम नहीं करते तो आपके जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। और जब आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं तो उनके साथ ये केस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जब वो सोकर उठते हैं तो उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अकड़न हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। और मॉर्निंग में रेमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बना रखी है जो आप हमारे चैनल पर ईजिली देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है ब्रेन फॉग से बचने के लिए, वो है कि आपको ऐसा खाना खाना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना बढ़े, यानी आपको रिड्यूस करनी है इन्फ्लेमेशन अपने शरीर में, अपने जॉइंट्स में। अब ये सूजन कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में जो भी चेंज करने पड़े आपको करने चाहिए, या फिर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, या फिर आप कुछ मेडिसिन की मदद से अपनी शरीर में आई हुई सूजन को कम कर सकते हैं, तो आप वो मेडिसिन ज़रूर खाएँ। और खाने की बात करें, डाइट की बात करें, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़े। तो आपको उन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिनमें आपकी सूजन को कम करने की क्षमता होती है। इसके लिए भी मैंने स्पेसिफाइड वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको बताया है अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपके लिए स्पेसिफाइड बेस्ट डाइट क्या रहेगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ ही साथ आपको डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रेमेटिक ड्रग्स को भी लेना होगा, ताकि आपकी बॉडी में रेमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जो RA फैक्टर है वो ज़्यादा ना बढ़े। और आप इन ड्रग्स को खाते हैं तो जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव है वो भी नॉर्मल होता है और आपके जॉइंट्स को एक्स्ट्रा नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर आप उस नुकसान को रोकते नहीं हैं तो आपके जॉइंट का नुकसान बढ़ता रहेगा और आपको कई और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि ब्रेन फॉग। तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है। वहीं अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपको अल्कोहल पीने के लिए मना करा जाता है, और अगर आप अल्कोहल पीते हैं और आप ब्रेन फॉग को भी महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से आपके शरीर में
कन्फ्यूजन भी बढ़ती है, ब्रेन फॉग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। तो आपको अल्कोहल के कंजप्शन को बिल्कुल ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया ब्रेन फॉग और रेमेटॉइड अर्थराइटिस का रिलेशन, साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आप ब्रेन फॉग से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है तो आपको ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इस सिनेरियो में आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मेटीज आ सकते हैं, यानी आपके जॉइंट्स टेढ़े हो सकते हैं, आपकी उंगलियों के शेप बदल सकती है, आपके पैरों की उंगलियों के शेप बदल सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब कई पेशेंट के मन में ये सवाल होता है, क्या रेमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, रेमेटॉइड अर्थराइटिस को अच्छे तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है और कुछ केसेस में ठीक किया जा सकता है, अगर उसे स्टार्टिंग में ही डायग्नोस कर लिया जाता है तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ब्रेन फॉग का क्या रिलेशन है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप एक सही ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।